कुछ जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न आए हैं और एक मेरे को अपनी ओर से निर्णय किया है बताने का, तो बहुत संक्षेप में उत्तर दूंगा। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अनेकों धर्म हैं, सब धर्म वाले हैं, वैष्णव हैं, सब धर्मों का नाम नहीं लिया, वैष्णव वाले हैं, परंतु सबसे पुराना सनातन जो सभी मानव जाति को मानने योग्य सत्य धर्म हो वो कौन सा धर्म है? तो बता ही दिया सनातन, वो सनातन धर्म ही मानने लायक है। और सनातन धर्म बहुत विस्तृत है, उसमें वैष्णव भी हैं, आर्य भी हैं, और मैं सच बताऊं सनातन धर्म से बाहर कोई धर्म नहीं है। और कोई न कोई धर्म जो है सनातन, वो हमारी ही जीवन की पूर्णता के लिए, कमियों को हटाने के लिए, संयम के लिए। और दुनिया के सब धर्मों में थोड़ा बहुत संयम जरूर है, बहुत छूट दी है उन्होंने भी, क्रिश्चियन में, इस्लाम में, जैन में, बौद्ध में। जैनों में तो बड़ा संयम है, बौद्धों में भी है, सनातन में भी है, इस्लाम में भी है, कम सही पर है, बहुत छूट दी है। पर बिना शादी के मनमानी करने की छूट उन्होंने नहीं दी, हुआ ना सही है। कई शादी करने की छूट दी है, तो भाई शादी की क्या, छुट्टा क्यों नहीं छोड़ा? अर्थात शादी की आवश्यकता भी धर्म की है। इसलिए सब धर्म सनातन से अलग नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की मान्यताओं में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में लिया है। मैं सनातन भी ना कहूं तो ये कही बात कहूं, धर्म की आवश्यकता सबको है। और धर्म क्या है? किसी न किसी सीमा में हम संयम करें, जैसे भोजन में भी संयम करें, खाना मना नहीं है, संयम। काम में भी संयम करें, धन में भी संयम बरतें, कमाने में बेईमानी ज्यादा ना करें। माने हम अपने सीमा में रहकर उन्नति करें, या तो हृदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। तो दूसरा पूछा है, पांडव कौरों का जो युद्ध हुआ था, कोई महात्मा जन कहते कि ये हृदय देश की लड़ाई थी। गीता में एक भी श्लोक बाहरी काटमार के पक्ष में नहीं है। कहते हैं, कोई कहते हैं कि यह लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी, परंतु भगवान ये कैसी लड़ाई थी, बाहरी या आंतरिक? हम लोग कहते हैं ज्ञान गंगा नहाले प्यारे मना सत्संगत तीरथ में, तो गंगा है कि नहीं? सत्संग भी गंगा है, पर वो भी है। यदि वो ना होती तो सत्संग को भी हम गंगा कैसे कहें? इसी तरह हम कहते इड़ा पिंगला सुषुमना, ये दो नदियां यहां मिलती हैं, तो ये त्रिवेणी है, ये कुंभ है, प्रयागराज है। अब प्रयागराज ही नहीं है तो तुलना कैसे करते? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता तो अंदर के युद्ध को हम तुलना कैसे करते? तो बाहर भी युद्ध हुआ है। वो ये आजकल के
जो मीडिया है या जो हिंदू विरोधी है वो हमारी सभी मान्यताओं को कल्पना कहता है, ऐतिहासिक नहीं मानता, मिथक मानता है। तो इन लड़ाइयों को भी कहता है कुरुक्षेत्र है, वहाँ लड़ाई हुई है, कौरवों पांडवों की हुई है, कृष्ण हुए हैं। नहीं तो लड़ाई नहीं हुई, कुरुक्षेत्र नहीं है तो कृष्ण भी नहीं है, कौरव भी नहीं हुए, पांडव भी नहीं हुए, अर्जुन भी नहीं हुए, युधिष्ठिर भी नहीं हुए, इसलिए ये हुए हैं। पर उस लड़ाई से देश का, बाहरी धर्म का की रक्षा होती है, पर आंतरिक युद्ध भी है, दैवी और आसुरी ख्यालों का। खाने का मन करेगा, बुराई करने को करेगा, चोरी करने को करेगा, और दूसरा मन करेगा ना करने को, दोनों में लड़ाई होगी, जो जीत जाएगा जीत जाएगा। अंदर भी तो युद्ध चलता है, कभी पीने वाले सोचते नहीं पिएंगे, फिर देख करके पी लेते, पीने वाली वृत्ति जीत जाती है, ना पीने वाली हार जाती है। ये पांडव कमजोर पड़ जाते हैं, दुर्योधन का ग्रुप विजयी हो जाता है, क्या करें। यदि भगवान ना साथ दे ना तो वो जीते धरे हैं। अर्थात जिसके हृदय में भगवान है या जो भगवान का भक्त है, वही आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। नहीं, ये तो वृत्तियां सहज है, काम क्रोध लोभ मोह ये सहज है। और संत क्या कहते हैं, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए। देखो आप तो छोड़ो, हमारा मन भी नीचे को ही जाता है, पैसे की तरफ, मान की तरफ। बड़ा बड़ा प्रचार करके दिल मान चाहता है, तो मन की गति संसार की तरफ है, नीचे के इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। तो हमारा मन कोई और तरह का नहीं है, पर उसको संयमित करना, रोकना। तो मन जल कहाँ का है, पाकिस्तान का कि हिंदुस्तान का कि अमेरिका का, कहाँ का पानी ऊपर को जाता है बोलो? पानी सबका नीचे ही जाता है, मशीनों से चढ़ाना पड़ता है। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए, बड़े यतन ते राखिए तो ऊपर ठहरा। मन को ठीक रखने में मेहनत है, बुराई करने में कौन सा मेहनत? काम की ओर बच्चों को भेजने पड़ते हैं क्या? वो तो छिपा के चुरा के चले जाते। काम की प्रवृत्ति सहज है, उसके प्रचार की जरूरत नहीं है, पर आज मीडिया बर्बाद करने पर तुला है। वो तो जा ही रहा है पानी नीचे को, तुम क्या प्रेशर और लगाते हो? प्रेशर लगाओ तो ऊपर का लगाओ। अब साधु के आश्रमों में भी यदि दो चार गिर जाएं तो मीडिया पीछे पड़ेगा और दिन रात बर्बाद करने की योजना बनाता रहता है। एक आध हमारा बाबा भी फिसल गया तो हम क्या करें? गंदगी तो तुम फैला रहे हो, हम तो रोकने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हारे इस प्रचार माध्यम से, चित्रों से, पिक्चरों से, गंदी चीजों से, अखबारों से, चित्र देख देख कर हमारे साधु फिसल जाए, हम क्या करें? तुम दया करो, प्रकृति काफी है हमारे साधु गिराने के लिए, साधकों को गिराने के लिए नेचर खुद लगी पड़ी है, तुम काहे को बदमाशो लगे हुए? उसके पक्ष में तुम क्यों बोलते हो? इसी तरह मृत्यु का ख्याल तो तुम्हारे जीवन में सहज है, हमें समझाना है क्या कि तुम मरोगे? तुम नहीं मरोगे, ये समझाने में हमें मेहनत है। काम क्रोध आते हैं, इनसे बचने के लिए मेहनत करना सिखाना है। तो इसलिए कोई गिर जाता है ये ज्यादा महत्व की बात नहीं है, महत्व की है कितने चढ़ गए,
कितने ऊंचाई पे गए उनकी गिनती कोई अखबार वाला बोलता है? इतने संत अच्छे काम करते हैं उसका जिक्र मीडिया करता है? सारे सरकारों के काम एक तरफ और साधुओं के काम एक तरफ, बराबर हैं। हम लोग जनता के छोटे छोटे सहयोग से अच्छी संस्थाएं चलाते हैं, तमाम लोगों का भला होता है। उसमें कुछ भले मीडिया वाले भी हैं जो वो भी छापते हैं, पर कई तो ढूंढते फिरते हैं कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी दिख जाए, लगे पड़े हैं कि कोई गलती मिले तो चैनल में फिर दिन भर चलाएं। हम प्रवचन कर रहे हैं तो एको चैनल वाला नहीं मरा, अब यहां कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर चैनल वाला मुंह पे तुम्हारे मीडिया लगाएगा, बोलो तुम बताओ तुम बताओ, तुरंत तो वो लगा के चिलिम सी आगे। और वो जो दुखी, अब इतने बड़े आश्रम में जैसे तुम्हारे घर में बच्चे नाराज हो उस समय मीडिया तुम्हारे बच्चों का बयान ले ले, तो कई हमारे चेले भी भड़के रहते हैं, क्या पता किसी को ठहरने को जगह न मिली, किसी को कुछ और न मिला, किसी का कमरा देर में बना, अब मीडिया वाले पहुंच के वो बयान चलते। तो बुराई तो है ही संसार में, अच्छाई लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो कौरवों पांडवों का युद्ध बाहर भी हुआ था और भीतर भी होता है, दोनों सच है। इसी तरह किसी ने पूछा है, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर साहब और बुद्ध भगवान, गुरु नानक देव, ये सभी महात्मा महात्माओं का मार्ग दर्शन समस्त मानव मात्र के लिए था, क्या हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सभी ने अपनी अपनी संप्रदाय के लिए मार्गदर्शन किया था? इनने सबने समाज के लिए किया था, पर उस समाज को जितना, उन सिद्धांतों को जितना मान पाए वो उस मजहब के हो गए। जैसे अच्छे बनने का उपदेश हम सबको देते हैं, अब जो बन गए, नहीं बने नहीं बने, तो अलग अलग संप्रदायों का प्रयास सबका मार्गदर्शन था। बाद वालों का गड़बड़ है, जो उस संप्रदाय में चलते गए विकृति आती गई, वो अपने गुरु आचार्य से भी भटक जाते हैं, उनकी मान्यताओं को भी बदलने लगते हैं, पर्दा डालने लगते हैं। हम अपने स्वार्थों के लिए उनके अर्थ बदलते हैं, इसलिए बाद के लोगों ने अपने गुरु और परंपरा को भी बदनाम किया है। सभी का उद्देश्य पूरे मानवों के लिए था। हाँ, ये जरूर लिखा है, जरा ध्यान दें, जैसे हम ये कहेंगे कि भाई जो लोग इस तरह के हों वो इस कैटेगरी के हैं, जो इस तरह के हों वो इस कैटेगरी के हैं, इस ऐसे ऐसे सीमा का विभाजन होता है। अब कई बार ज्यादा नाम यदि होवे, जैसे नकल बच्चे क्यों करते, क्योंकि ज्यादा नंबर वालों का रिजल्ट अच्छा आएगा और नौकरी अच्छी लगेगी तो नकल करते हैं। सिद्धांत तो ठीक है, ज्यादा नंबर वाला ज्यादा योग्य है, लेकिन नकल करके, तो नकल ये बेईमानी है। तो जैसे यहां चलती है ऐसे ही धर्म और इन क्षेत्रों में भी चलती है। सचमुच साधु श्रेष्ठ है, अब साधु श्रेष्ठ है तो लोग साधु बन जाते हैं, अब साधु रह नहीं पाते पर बनते हैं, क्योंकि सबको बड़ा कहलाने का शौक है। जैसे धनी बनना अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, पर धनी बनने के लिए फिर चोरी करने लगना या ठगी करने लगना ये बुरी बात है। पर धनी बनने का जब महत्व तो ज्यादा होगा तो धनी बनने के लिए लोग गड़बड़ करेंगे। ऐसे ही
बड़ी बड़ी गद्दियों पर जाने का एक अपना लाभ है, लेकिन उसके लिए अब गड़बड़ करने लगे। असल में हर जगह पात्र को जाना चाहिए, जो जिसके पात्र है उसमें जाना चाहिए। सबको साधु नहीं बनना चाहिए, सबको गृहस्थ नहीं बनना चाहिए, सबको मिलिट्री में नहीं जाना चाहिए। जो जिसकी क्षमता हो, तैयारी हो, उस रास्ते पर जाए। ठीक है, अब एक सबसे प्रश्न किया है जो खास तो क्या है, है भी महत्व का। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भगवान जोर दे के कहा है, जिसके माता पिता जुआरी, शराबी, कबाबी, नास्तिक और अज्ञानी, और उनका पुत्र धर्मात्मा, और कुछ पढ़ा लिखा भी हो, अच्छा काम करता हो, और जुआ के लिए हाँ, और पुराना और पूजा और आराधना भी करता हो, सज्जन हो, माता पिता जुआ के लिए शराब, जुआ के लिए शराब के लिए पैसा मांगता हो, और पुत्र को कहता हो पढ़ाई मत कर, काम करके पैसा ला और हमें दे पीने वाला जुआरी, तो कहते हैं क्या ऐसे माता पिता की आज्ञा का पालन पुत्र को करना चाहिए कि नहीं? और कहीं पढ़ा होगा ना कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखो, क्रोध में नशे वाले की और व्यसन में फंसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। क्रोध में माँ कह दी थी या मर जा, हमें माँ कह देती थी गुस्सा में, तो हम मरे नहीं, आज्ञा नहीं पाली। अब मोह में अंत में कहती थी हमारे रहते साधु नहीं बनना, तो हम माँ के रहते नहीं बने, इनको दुख होगा। बस जिस दिन वो मरी उसके 6 महीने के अंदर ही चले आए, फिर देर नहीं लगाई। ठीक है, उनके लिए हमारे हृदय में दया रहनी चाहिए, पर वो जुआ खेलने वाला ऐसा है तो उसकी आज्ञा का पालन क्या करना। क्रोध में व्यक्ति हो, नशे में व्यक्ति हो, वो कहे, और बहुत छोटा बच्चा हो, उसकी भी आज्ञा मान्य नहीं होती। वो कुछ भी मचल जाए, मांग ले, तो नहीं देना चाहिए। और क्रोध में कोई जहर मांग ले, हाँ नहीं, उस समय नहीं देना चाहिए। हम तो कहते क्रोध में पत्र नहीं लिखना चाहिए, फोन नहीं करना चाहिए। घर बर्बाद करना हो तो जब बहू को क्रोध आवे मायके फोन कर दे, घर बर्बाद, क्रोध से शांत हो जाए तो उचित बात बताए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। बड़ी समस्या है। एक बात मुझे रामायण की पढ़ के खटकने लगी, जब मैंने चैनल देखा ना, रामायण सीरियल आया तो बनाया था ना रामानंद सागर ने, रामायण पढ़ी कभी ध्यान नहीं गया, पर वो सीता कैसे एक समय काट रही है, कैसे उनके साथ हुआ, कैसे बच्चे पाले, कैसे वो हुआ, फिर जब वापस आई कैसे सारे फिर अयोध्यावासी चिल्लाए और वो फिर अंत में जमीन में गड़ गई, तो बड़ा तरस आए। तो मैंने कहा जानकी का पिता कहाँ मर गया था, तुम्हारी लड़की को तकलीफ हो तो छाती में चढ़ जाओ जाके, धन्य है जनक कि कहीं जिक्र ही नहीं आता कि किया ये क्या करते हो मेरी लड़की के साथ, मेरी लड़की निर्दोष है। रामायण पढ़ने वालों जरा जनक से सीखो कुछ। ये ध्यान मुझे गया एक दिन कि आजकल वो मायके वालों की बातें सुनता हूं ना, तो जनक की तरफ ध्यान गया कि राजा था, सब कुछ था, कोई ऐसा नहीं था, कंगाल नहीं था, दमदार था, कुछ तो करता एक बार कि भाई मेरी बेटी के साथ जो रामायण में है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं है ज्यादा, मैं रामायण पढ़ा नहीं हूं इसलिए मुड़ के रामायणियों की तरफ देखता हूं। देखो ना, और तुम बेटी और बेटे और घर को नरक बनाते जा रहे हो, गुस्सा की बातें सुनोगे माँ का भी दिमाग खराब हो जाएगा, माँ लेकर के बेटे आ जाएंगे ससुराल, फिर प्रेम से रहेंगे ना,
जिसकी एक दूसरे की शिकायतें होंगी फिर घर नरक बनेगा, प्रेम से नहीं रह सकते। खैर, तो ऐसे बाप की नहीं माननी चाहिए। और एक बिमला जी हैं, उन्होंने अपने ध्यान के अनुभव लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं ध्यान के अनुभव। बस जिनको ध्यान करते करते शरीर लुढ़क जाता हो, उनको ऊंचे में बैठ के, जैसे मैं सिंहासन में बैठा हूँ, ऐसे बैठ के ध्यान नहीं करना चाहिए, नीचे आसन लगा के ध्यान करना चाहिए। और बहुत देर तक ध्यान की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर ध्यान करो छुट्टी। ज़्यादा देर क्यों बैठे कि हम आगे, थोड़ी देर सुनो, अपना काम करो। जो ध्यान का अनुभव कर लिया, थोड़ा सेवा के कार्यों में लगे रहे, समय अच्छे काम में बिताना चाहिए। ज्ञानी के लिए लोक परलोक दोनों बराबर है। केचित मोक्ष मिच्छन्ति भुक्ति मिच्छन्ति चापरे, केचित मुक्ति मिच्छन्ति भुक्ति मिच्छन्ति चापरे, भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी बिरलोही महाशया। कोई भोगों में लगे पड़े, कोई मुक्ति के लिए लगे पड़े, पर जब ज्ञान हो गया पूर्ण, ऐसा महाशय विरला है जिसको ना मुक्ति चाहिए ना भुक्ति चाहिए, ना लोक की कोई इच्छा ना परलोक की कोई इच्छा, बिरलो ही निराकांक्षी बिरलो ही महाशय, जिसको अब कोई इच्छा ही नहीं रही, असल में कोई इच्छा न रह जाए, यही पूर्णता है। मोक्ष की इच्छा पहले बहुत अच्छी चीज है, भोगों से छूटने के लिए, संसार की मान आदि से छूटने के लिए मोक्ष की इच्छा। फिर मोक्ष तो तुम्हारा आत्मा मुक्त ही है, क्या चाहिए? अमर होने की भी इच्छा कब थी? जब मरने वाले थे। अब जब अमर हो तो इच्छा कितने दिन रखोगे? इसलिए मुक्त व्यक्ति को मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। और यही पहचान है मुक्ति की, चाहे भक्ति से आ जाए चाहे ज्ञान से। इसीलिए जब लोग कहते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। देखो, अर्थ न धर्म, ध्यान रखना, अर्थ नहीं चाहिए हमें, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, कुछ चाहिए नहीं, गति भी नहीं चाहिए, निर्वाण मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। इतना कह दिया है चूंकि वो थे, मैं हूं, तो यहां इतना कहूंगा कि मुझे जन्म भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, आपकी जो मर्जी हो सो करते रहो, ये भी मेरा चुनाव क्यों, तुम चुनाव करो। अब मेरा कोई चुनाव नहीं रह गया। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद यही कहा, अब मैं क्या करूं, पहले युद्ध कर लिए, कृष्ण की तरफ मांगने आए थे सहायता के लिए दोनों पक्ष, फिर जब भगवान आके तैयारी करके युद्ध में खड़े कर दिया, तब बीच में धनुष बाण छोड़कर नीचे खड़ा हो गया कि मैं अपने से कैसे लड़ूं, ये तो ये होगा, पाप लगेगा। अब तब भगवान ने गीता सुनाई, गीता सुनाने के बाद अर्जुन बीच में खड़ा हो गया, कहता आप कहो, अब न मैं लड़ना चाहता हूं न युद्ध से भागना चाहता हूं, अब ये आपका चुनाव है। बस यही हर साधक को अर्जुन की तरह गीता सुनकर, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, न मुक्ति चाहिए न भुक्ति चाहिए न धन चाहिए न मान चाहिए, आप बताओ मुझे जिस लायक हूं, बस काम सौंपो, हम करने को तैयार हैं। ये जिंदगी है यहाँ, और चाहोगे तो मिला क्या है, क्या मिल जाएगा, राज्य चला जाएगा, शरीर मिला, ये चला जाएगा, कहाँ रहोगे? और यदि मुक्ति भी कोई अवस्था है तो आर्य समाज 36 कल्प बाद लौटना मानता है। मुक्ति यदि कोई अवस्था है, हम मुक्ति कोई अवस्था नहीं मानते, ऐसी समझ का ही नाम मुक्ति है जहां कोई चुनाव नहीं है। चुनाव खत्म हो गया, रहना न रहना, आना न आना, क्या है? कुछ मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, आज दे भी दोगे तो मेरे पास रहेगा। ब्रह्म चेतना का शरीर छूट गया, आपको मालूम है, जो लोग जानते हैं, आश्रम बना के उसके साथ क्या गया। मैं इसलिए उदाहरण देता हूं कि समझ आ जाए, और तुम्हारे साथ तो जाएगा, तो फिर
यहां सब ब्रह्म चेतन ही है, किसी के साथ कुछ जाना है क्या? लगे रहो पागलों की तरह, तो फिर लगे, हम कहते हैं लगे रहो, पर तुम किसी कामना की पूर्ति में लगे हो, भगवान के आज्ञा का पालन करो, उसके हुक्म पर चलो, हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई, उसके हुक्म में हो, तुम्हारी कोई इच्छा क्या है? किसको मिला है? राजाओं का राज्य चला गया, आज कब्रें भी नहीं है, किले भी नहीं है, ध्वस्त हो गए, उन कब्रों में घास उगी हुई है, कोई उखाड़ने वाला नहीं है, उन किलों की सफाई करने वाला कोई नहीं है, क्या नहीं, क्या टीका, राजमहल चले गए, है क्या किसी के पास कुछ रहता है? फिर भी बुद्धू आदमी समझते ही कामना किए जा रहा है, कामना। हम लोग कर्म के विरोधी नहीं है, फिर सुन लो, कर्म के विरोधी नहीं है, जो तुम कामना करके सोच रहे हो ये हो जाए। लोग कहते रावण स्वर्ग में सीढ़ियां लगाना चाहता था पर अधूरा ही चला गया, तो कोई रावण है अधूरा घर है, और कोई रावण ही रावण है क्या? हम सब रावण ही हैं, कोई ना कोई सीढ़ी लगा ही रहे, कहीं ना कहीं की सीढ़ियां बना रहे हो और अधूरे ही चले जाओगे, रावण थोड़ी अधूरा गया, जो भी अधूरा गया सब रावण ही है, अधूरे जाते हैं रावण, जो जो कामनाएं लिए बैठे हैं अधूरे जाते हैं, कामना आज नहीं, आज पूरे हैं, कल क्यों पूरे होंगे, आज हैं पूरे, आज पूरे। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, और क्या फिर, तो आज पूरे हो। ये पूरी कोई कबाइत से होने वाले नहीं हो, दंड बैठक करके तुम पूरे हो जाओगे, क्योंकि दंड बैठक भी तुम कामना से कर रहे हो, मैं ये हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, फिर बीमार ना हो, फिर बूढ़ा ना हो। अब ये पहलवान जितना दुखी होंगे बुढ़ापे में, ये जितने सुंदर है ना, वही शीशा देख देख के फिर उदास होते हैं। जिसकी उपासना की है, यदि स्वास्थ्य की भी ज्यादा उपासना करोगे तो कहेंगे पहले मेरे हाथ ऐसे थे, तो हमने कहा मरो, अपने पैर देखोगे, अपना मुंह देखोगे, पहले कैसे मेरी भुजाएं थी, अब ऐसी बनी रहेंगी। इसलिए पहले हमें लोग इतना मानते थे, पहले इतनी भीड़ होती थी, पहले जनता ऐसी थी, ये सब मान आदि के चक्कर में पड़े हो तुम, इस मामले में तो जानवर हो जाओ, जानवर, दो रोटी खाओ, चैन से रहो और काम करते रहो, क्या पाना क्या खोना, ये पाने पाना इन्हीं मूर्खों को कहो कि तुम मरो, तेली के बैल की तरह मरे जाओ पाने के चक्कर में, और ऐसे ही मर जाओ। ये तुम जिनको बड़ा कहते हो ना, इन जैसा बेवकूफ है कोई दुनिया में, जिनको तुम बड़ा कहते हो, ये कामना के द्वारा घसीटे जा रहे हैं। क्या होना है, यहां तक स्वर्ग जाने के लिए यदि पुण्य करते हो तो भी तुम बेवकूफ हो, कहां जाओगे, क्या लेना स्वर्ग से, तुम कामना रहित हो, इससे बड़ा कोई स्वर्ग है, कामना रहित हो, इससे बड़ी कोई मुक्ति है, वहां स्वर्ग में जाओगे तो वहां कोई गड़बड़ नहीं रहे। फिर मैं कहता हूं तुम बिल्कुल यहां देश के प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, पर तुम किस लिए बनना चाहते हो बताओ, अभी कम हो क्या? यदि तुम अपनी कमी की पूर्ति के लिए कुछ कर रहे हो तो कमी की पूर्ति होगी नहीं, उनसे पूछो कि तुम्हारी पूर्ति हो गई, अब छोड़ो जगह, कहते अब तो रस आना शुरू हुआ है अब, हाँ, ये संसार में कोई तृप्त नहीं होता, तृप्त तो वैराग्यवान है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य के द्वारा जीवन को धन्य करो। एक दो बातें अब मैं जो वचन दिया था उसकी बात बताऊं, अब भूमिका दिन में बताई थी, उत्तर अभी दूंगा, तो आधे लोगों को समझ आएगा, आधे को समझ नहीं आएगा। ये कहा था जब जगते हो तो देह दिखता है,
और जगना सोना तुम्हारा सबका निजी अनुभव है। जगते हो कि नहीं, सोते हो कि नहीं, जैसे पानी में लहर बनती देखी कि नहीं और मिटती भी देखी, देखी नहीं, तो जैसे लहर बनी और फिर लहर खो गई, ऐसे ही जागृत रूपी लहर आई और फिर खो गई। जितनी देर जागृत रही जगत दिखा, दिखा कि नहीं। देखो इसमें कोई बार बार सूचना होती है मेरे लिए, इसलिए नहीं होती कि मैं अकेला वेदांती हूं। भारत में सैकड़ों लोग एक से एक विद्वान हैं, मैं उनका पसंगा नहीं हूं, पर वो पढ़ते हैं ना उसी शब्द में बोलते हैं। जैसे अभी जमीन की रजिस्ट्री कराओ ना, तो देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, 60 साल हो गए, पर अभी चले जाओ बुंदेलखंड में रजिस्ट्री, वही दाखिल खारिज और वो है ने? हमारा सवाल नहीं है, आज भी लैंग्वेज नहीं बदल पाए। हाँ, मैं सही दुरुस्त दिमाग से क्या, वो मुझे पूरे वाक्य नहीं आते। यदि मुझे वो बनना पड़े क्या वो, तो मुझे कुछ दिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं मैं हिंदी में लिखूंगा कि मैंने सही बुद्धि से सही इच्छा से मैंने ये फैसला किया है बेचने का, इस कारण से किया है। हिंदी में नहीं लिख सकते, पर ये देश बेवकूफ है। अब ये मर जाएंगे, इनकी दसियों पीढ़ी चली जाएंगी, तब भी रजिस्ट्री करने के लिए भाषा वही चलती रहेगी। ये गधे बैठे हुए हैं गद्दियों पर, तुम्हें हिंदी नहीं आती, तुम अंग्रेजी में करो, हम मना नहीं करते, तुम उर्दू में करो, तुम अंग्रेजी में करो, लेकिन वही लैंग्वेज क्यों चल रही है? तुम अपने जमीनें बेचने खर्चे के लिए आम भाषा में नहीं लिख सकते, सही शब्दों का प्रयोग करिए। तो ये मैं इसलिए बोल पड़ा बीच में कि मेरे में क्या खूबी है कि मैं किसी ग्रंथ की भाषा का गुलाम नहीं। मैंने ग्रंथों से पढ़ा है, जो लिखा जाता है वो सही है, लेकिन भाषा पुरानी है। अब जो भाषा आपको नहीं आती उसी भाषा पर विद्वान यहां लेक्चर देने आ जाते, तो मैं आपको वही ग्रंथों की बात सरल भाषा में, आपकी भाषा में बोलता हूं। और यही मैं सबसे चाहता हूं, संतों से भी और ये देश के नेताओं से भी, कि जैसा तुम वेद की बात पढ़ो पर समझाओ आज की भाषा में, ऐसे ही तुम सब भाषाओं का सम्मान करो, लेकिन जिस प्रांत में हो उस देश की, उस प्रांत की उस भाषा में रजिस्ट्री क्यों नहीं करते हो? यदि तुम पंजाब में हो और गुरुमुखी में रजिस्ट्री लिखते हो तो बिल्कुल जायज है, वहां लिखी जाती है, पर यूपी में अभी उर्दू चल रही है। यूपी भी मूर्खों का मुख्य प्रदेश है, पंजाबियों ने अपनी पंजाबी में रजिस्ट्री शुरू कर दी, शायद साउथ वाले अपनी भाषा में करते होंगे। तुम हिंदी भाषी हो, हिंदी में करो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी भाषा की गुलामी करने की? खैर, एक बात मैं कह दूं कि ये जगना क्या चीज है, और जगना और सोना, चैतन्यता का पैदा होना और चैतन्यता का खो जाना, ये तो लहर है, ये पानी नहीं है। जो चीज पैदा होती है खो जाती है वो अस्तित्व तो नहीं है, ढेला बनता है फूट जाता है, जो हुआ और खोया वो उपाधि है, मिट्टी नहीं है। घड़ा बना फूट गया कुछ देर रहा, ये जागृत अवस्था है। आत्मा क्या चीज है? जागृत आत्मा नहीं है, सोती आत्मा नहीं है, आत्मा में ही जगना और सोना दोनों, जागना आया और जागना चला गया, चेतना आई और चेतना लीन हो गई, चेतना आई जगत दिखने लगा, आत्मा नहीं आई
घड़ा बन गया, पानी भरने के काम आने लगा, मकान बन गया, रहने के काम आने लगा, चीज बनी उसका उपयोग हुआ, तो जागे, जगत दिखने लगा। अब जागना गया, कोई मौत नहीं है, सोना मौत नहीं है, जगना जन्म नहीं है। जैसे लहर का जन्म पानी का जन्म नहीं है, जो लहर के जन्म को पानी का जन्म समझते हैं वो मूर्ख है। तो चैतन्यता का जन्म चेतन आत्मा का जन्म नहीं है, चेतन आत्मा सदा रहने वाली चीज है, चैतन्यता क्षण भर रहने वाली चीज है, वो आती है खो जाती है। और भी बताऊं, यदि कोई चीज कैसे बताऊं, देखो यहां बताओ क्या चीज नहीं है। इसने कहा गांठ नहीं है, ये पहले की सुनी हुई है। अब देखो, अब कह सकते, इसने कह दिया यहां गांठ नहीं है, मैं यहां तो बहुत चीजें नहीं है, यहां हाथी नहीं है, यहां घोड़ा नहीं है, यहां कुत्ता नहीं है, यहां पेड़ नहीं है, यहां पहाड़ नहीं, उसका नाम क्यों नहीं लिया, गांठ नहीं है क्यों कहा? इसलिए कह दिया पहले का सुना हुआ पड़ा है, अब यहां है, अब गांठ है। अब कहोगे अब गांठ, क्योंकि गांठ है, देख ली इसलिए कहा नहीं है। जागृत देखा और जागृत न रहा, उसने देखा जागृत अवस्था गई, तो जिसके रहते गांठ आई उसी के रहते गांठ गई। कपड़ा के रहते हाथी नहीं था, कपड़ा के रहते क्या थी, गांठ। कपड़ा के रहते कौन गई, कपड़ा रहते हाथी चला गया क्या, था ही नहीं। तो मेरे रहते जागृत थी, मेरे रहते जागृत गई, मैं नहीं गया। मेरे रहते स्वप्न आया, मेरे रहते स्वप्न गया, मैं नहीं गया। मेरे रहते नींद आई, मेरे रहते नींद गई, मैं नहीं गया। सत्य कौन है, मैं, और सब स्वप्न है। स्वप्न ही स्वप्न नहीं है, स्वप्न को स्वप्न तो मूर्ख जानते हैं, मैं जागृत को भी स्वप्न जानता हूं, स्वप्न को भी स्वप्न जानता हूं, सुषुप्ति को भी स्वप्न जानता हूं, मेरे सिवा सब स्वप्न है। जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न, सुषुप्ति स्वप्न, सत्य मैं हूं। और स्वप्नों में जो देखा जाता है वो स्वप्न, जागृत में जो देखा जाता है वो स्वप्न, क्योंकि जिस झूठे से देखा गया वो सब झूठ, सत्य आप है। इसके चर्चा विस्तार से कल करूंगा, अभी वैसे भी ये बूढ़े लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जब तक मरे नहीं चाबी नहीं देते। तब मैं भी कल सम्मेलन के समापन में ही सारा कुछ सौंपूंगा, ऐसे जल्दी नहीं करता। अब यही समाप्त करता हूं, बाकी चर्चा कल करेंगे।